नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप सुन रहे हैं बिहार दस्तक की पॉडकास्ट सीरीज और हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं बेटिया विधानसभा सीट जो कि बिहार में आती है, वहां से विधायक मदन मोहन तिवारी। तो मदन मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। मेरा सवाल पहला आपसे ये आता है कि कोरोना को लेकर कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है ग्राउंड पर? हमारे पार्टी के हर वर्कर्स, यूथ कांग्रेस से लेकर के जनरल कांग्रेस तक, हम लोग जो सरकार पर जो हम लोगों से बन पड़ रहा है, जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ राशन भिजवाने से लेकर के उनकी हर तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं जी। बिहार, हेलो, हाँ जी सर। सर, बिहार में क्या स्थिति है, क्या हालात काबू में है? बिहार तो भगवान के भरोसे है, क्योंकि बिहार में जांच ही नहीं हो रहा है तो हम तो भगवान के भरोसे मान लिया गया बिहार को जी। अगर अगर ठेठ भाषा में समझिए तो देश को भी भगवान के भरोसे मान लिया जी। न बिहार और न देश में जिस लेवल पर जो हम लोगों की जनसंख्या है 125 करोड़, आज जो बिहार की जनसंख्या है 12 करोड़, अभी तक बिहार में 5-6 हजार पब्लिक मतलब बाहर से आने वाले और अंतर्राज्यीय लोग की जांच हो पाई है। अभी जनरल पब्लिक की जांच होगी तो क्या निकलेगा, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास, हमारे सरकार के पास न पीपी किट है, न क्वारंटाइन है, ना एस्टेनाइजर है, ना मतलब कुछ भी नहीं है। इनको अपने पब्लिक का मतलब सही तरीके से जांच करके और इसको यही करने के लिए कि हम इतने लोगों को इतने जल्दी जल्दी से जांच रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जो है वो कितना दिन रहेगा, लॉकडाउन कितना दिन रहेगा, जब तक इसका अगर कोई साइंटिफिक व्यवस्था नहीं होगा, दवा की व्यवस्था नहीं होगी, किट की व्यवस्था नहीं होगी, जाँच नहीं होगा, तब तो मान लीजिए लॉकडाउन खुलेगा, फिर बाहर से लोग आएगा, फिर उसी तरह से महामारी आ जाएगी जी। तो सर, ये किसका फेलियर है? क्योंकि अगर हम देखें बिहार, केंद्र ने स्पेशल रिलीफ पैकेज निकाले हैं कई तरीके के, ठीक है, केंद्र सरकार का दावा है, केंद्र सरकार का दावा है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कोरोना बहुत धीरे फैल रहा है, पहली चीज। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 615 अस्पतालों में जो उन्होंने वो बनाए हैं हॉटस्पॉट जोन, वहां पर 1-2 लाख या 1.5 लाख के करीब वेंटिलेटर हैं और बाकी अन्य उपकरण हैं। तो ऐसे में ये किस स्थिति में हो सकता है, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति खराब? तो 2-4 दिन पहले 10 दिन पहले नीतीश जी ने केंद्र से मांग किया था 10 लाख मास्क के लिए, कितना मिला आपको मालूम होगा जी? जी, क्योंकि आप लोग हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, कितना वेंटिलेटर का मांग किए थे आपसे, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे जी। और कितना आप किसी किट मांग किए थे, कितना केंद्र सरकार से मिला वो आप भी जानते होंगे। केंद्र सरकार कितने भलाई का 170 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से लिया और 500-500 रुपया अनुबंध खाता हमें डाल करके, और बहुत लोगों को डाला, बहुत लोग अभी उसी तरह से पासबुक लेकर के घूम रहे हैं बैंक के बैंक। तो कहने का मतलब ये कहने से प्रधानमंत्री केयर फंड अलग हो गया, प्रधानमंत्री आपदा अलग हो गया और मुख्यमंत्री आपदा अलग हो गया। बहुत लोगों ने बैन किया लेकिन जमीन पर तो जीरो बैलेंस है, कुछ नहीं। लेकिन सर, एक सवाल ये, जमीन पर आप भी कभी सरकार में थे या गठबंधन के साथी थे, ठीक है, ऐसे में आप सरकार का जो पक्ष है, सरकार का जो रवैया है, खासतौर पे प्रदेश सरकार का, नीतीश सरकार का, जो हमेशा से दावा करती है कि वो सुशासन की सरकार है, उनकी तैयारियां अपने प्रदेश में क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने हम तो कहेंगे आपसे कि लोग जो एनडीए के लोग डरवाते हैं कि लालू यादव का जंगल राज आ जाएगा अगर फिर उसकी सत्ता आएगी, तो इनके शासन काल में कौन मंगल राज है? अपराध चरम पर है, मरीज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। अब आप देखिए धरातल पर, यहाँ गांव में गरीब, अभी मैं गांव में हूँ, गांव में गरीब दर्दर भटक रहे हैं कि मेरा नाम बीपीएल सूची में नहीं है और सरकार ने कहा है कि सबको 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। और जो पहले से मनमोहन सिंह के समय से जो अंत्योदय 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल का जो व्यवस्था था वो मिलेगा ही,
अप्रोक्स पर यूनिट 5 किलो मिलेगा। यहाँ मतलब अधिकारियों के द्वारा, जन वितरण के दुकानदारों के द्वारा 7 आदमी का अगर फ्री में नाम है तो कहता है कि 2 आदमी का है, बाकी लोगों का नाम नहीं है, लिस्ट हमारे पास नहीं उपलब्ध है, नहीं दिखाएंगे। तो वैसा वैसा यहाँ भ्रष्टाचार का वर्ग हो गया। सर एक सवाल ये कि आप खास तौर पे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, खबरें आ रही हैं कि मजदूरों का जो पलायन है उसमें मजदूरों की संख्या, बिहार मजदूरों का जो पलायन है वो काफी तेज गति से हो रहा है। आप महाराष्ट्र का वाक्य देख लीजिए बांद्रा वाला, आप दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन का वाक्य देख लीजिए कि मजदूर जो है, मजदूर वर्ग डर रहा है, उन्हें प्रशासन पे भरोसा नहीं है, ठीक है। और इसमें से क्या है, ज्यादातर लोग या तो यूपी के हैं या बिहार के हैं, ठीक है। ऐसे में मजदूरों के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? कि पूरे 5 साल में नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को उन लोगों ने बंद करके मजदूरों को पलायन करवा दिया। और जब देखे कि हम उसके लॉस में जा रहे हैं तो शुरू किए, लेकिन उसके प्रक्रिया को इतना जटिल बना दे रहे हैं कि आज हरातर तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का पैसा खर्च नहीं हो रहा है और जिससे मजदूरों का पलायन हो रहा है। रहने का मतलब है घर में रोजगार नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा तो कोई घर में बैठ करके खाने वाला कहाँ से होगा। अगर सर दिल्ली में आज ये भूखमरी जी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और वो एक दावा कर रही है कि हम राशन पानी की हम पूरी व्यवस्था कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आपने आनंद विहार की स्थिति देखी होगी कि इतना सारा मजदूर इकट्ठा हो गया एक जगह आनंद विहार में। उसके अलावा महाराष्ट्र में देखा आपकी सरकार, सर कांग्रेस की सरकार है मिलकर महाराष्ट्र में, कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में शिवसेना के गठबंधन के साथ, एनसीपी के साथ, वहां पर भी ऐसी घटना होती है, तो सर वहां पर आप फिर कितने कसूरवार ठहराएंगे? कहने का मतलब है ये मॉनिटरिंग पूरे भारत सरकार को करना है जी, कि हर राज्य में हर राज्य के लोग रहते हैं जी, लेकिन बिहार और यूपी और झारखंड जी ये पिछड़ा इलाका है, ये लोग गरीब लोग जाते हैं, लेबर का दहाड़ी वाले लोग जाते हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिहार और यूपी के दहाड़ी के मजदूर आपको मिलेंगे। अब उसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है जी। लेकिन एबीपी न्यूज वाले गलत रूमर उठाते हैं, जो ट्रेन का टिकट जो काटता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, रूमर उठाते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, पब्लिकों का भीड़ इकट्ठा करते हैं उसमें कुछ नहीं बोलते। आज लोग रो रहा है, मान लीजिए कि हमारा सरकार हो या जिसका भी सरकार हो, पहले नैतिक धर्म बनता है कि जो भी आदमी बिना खाए पिए आपके राज्य में आपके गांव में मर रहा हो पहले उसको 2 वक्त का खाना देना चाहिए। और क्या असुविधा है नहीं असुविधा, मैं तो महाराष्ट्र नहीं देख रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, लेकिन इतना बढ़िया काम किया कि जो अफवाह फैलाया उसको FIR करके जेल भेजवाया पत्रकार को, हम उससे बड़ी खुश है जी। बिल्कुल ठीक है। खैर सर ये तो इस तरह की खबरें तो खैर नहीं चलनी चाहिए, अफवाहबाजी का दौर नहीं होना चाहिए, लेकिन सर सवाल ये है कि बिहार में चुनाव भी आने वाले थे, इस साल आने वाले हैं अक्टूबर में, ठीक है। ऐसे में अभी कोरोना चल रहा है, आप भी जानते हैं कि बिहार की प्रादेशिक स्थिति और वहां पर फैक्ट्रियों वैक्ट्रियों और संसाधन वगैरह का बहुत बहुत अकाल सा क्रिएट हो गया है। लोग नौकरी करने दिल्ली का रुख करते हैं, महाराष्ट्र का करते हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं नौकरी बिहार में करूंगा, ठीक है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आप विधायक हैं वर्तमान में, आपका रसूख है, आप अपने क्षेत्र में लोग आपको सुनते हैं, आपको वोट दिया था, तो ऐसे में कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकती है? हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हमारा 4-5 मुद्दा होगा। फर्स्ट मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहूंगा कि 15 साल में आपने बिहार को क्या दिया। हम पूछना चाहेंगे नरेंद्र मोदी से, आपने 6 साल में बिहार को क्या दिया? अगर एक प्रधानमंत्री सर आपने दिया हो तो बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक बना। अगर एक गरीब का राशन अगर मनमोहन सिंह के रेजिम में जो मिला है उसके बाद आपने दिया हो तो बता दीजिए, मैं उसका सर्वे कर लूंगा। मैं आप बता दीजिए कि 6 साल में बिहार में अगर एक NH बना हो तो मैं जो कहिए मानने के लिए तैयार हूँ। महात्मा गांधी रोजगार को आपने डिस्टर्ब किया, आपने गरीबों का पलायन करवाया, आपने बिहार के
को जो पैकेज देने की घोषणा की थी 15 में चुनाव के समय में 125 करोड़ रूपया दूंगा, आपने 1 रुपया नहीं दिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जब हुआ था 17 में तो आपने कहा कि 500 करोड़ रूपया दिया, आपने रुपया नहीं दिया। आपने पिछड़े जिला के लिए जो मनमोहन सिंह का अलॉटमेंट था DRGF योजना आपने बंद कराई, तो आपने तो हर मोर्चा पर पब्लिकों का खून चूसा, योजनाएं बंद की और जो योजना पूर्व की सरकार चलाई उसको आपने आगे नहीं बढ़ने दिया। सर इसलिए बिहार में मजदूरों का प्लान है, इस मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी सर एक आखिरी सवाल और क्लोजिंग कमेंट आपका ले लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि गांव में जो जागरूकता का स्तर है वो काफी नीचे रहता है, ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र में आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी जगह आती है वहां पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जागरूकता अभियान वगैरह की स्थिति क्या है, क्या लोग इस चीज से जागरूक हैं? सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए महज एक शब्द नहीं, एकदम हम लोग एकदम कोरोना वायरस को सोशल हम लोग डिस्टेंस बना करके यहाँ आम पब्लिक जागरूक है, क्योंकि बीमारी खराब रखते ही नहीं चाहता कि उनको बीमारी हो हमारे परिवार को, तो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके लोग रह रहा है और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहा है। हम लोग कोशिश करके प्रयत्न भी कर रहे हैं कि जो अगर उसे मिस्टेक बैंक में जाने वाले जो जनधन में प्रधानमंत्री का 500 आने वाला था, अगर उसमें कोई गलती करता है तो लोग समझा रहे हैं। TDS के दुकान पर अगर लोग अनाज लेने जा रहे हैं तो वहाँ भी हम लोग समझा रहे हैं कि आप लोग डिस्टेंस बना करके खड़ा रहिए। आप संजोग की बात है कि हमारे चंपारण में जहाँ समय विधायक सदर जिला में एक भी पॉजिटिव हमारे यहाँ मरीज नहीं मिला है, इसलिए भगवान हम लोगों को ज्यादा खुश है। कम से कम हमारा जिला उससे अछूता रह गया, हम लोग भाग्यशाली। सर अभी तक कुल 85 केस हैं कोरोना वायरस के जो पूरे बिहार में हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, बाकी जो शेष लोग हैं 2 लोगों की मौत हुई है, 26 जिला में एक भी पॉजिटिव नहीं। हाँ जी हाँ जी, तो सर कहाँ लगता है आपको केंद्र सरकार कहाँ नाकाम रह गई? हाँ केंद्र सरकार कोरोना वायरस के मुद्दे में बिहार की स्थिति में कहाँ नाकाम रह गई? मतलब पीछे है। हाँ जी कहाँ पीछे है, मतलब कहाँ पीछे है संसाधनों? हर मोर्चा पर पीछे, हर मोर्चा पर बंधु पीछे है। खाली और दिया बनवाने से बीमारी नहीं भागती है जी, अगर खाली और दिया बनवाने से गया और दिया बारने से बीमारी भाग जाती तो ये तो पब्लिक को गुमराह करने की बात है, इसके भावना को जगाने की बात है। प्रधानमंत्री जी या उनका जो क्या नाम है मीडिया तंत्र, उसको तो कोरोना को मुसलमानीकरण कर दिया कि तो मरकट से आ गया। उनको ये नहीं बुझाया कि बांद्रा का जो भीड़ था उससे क्या होना, उससे भी बढ़ सकता था अगर